सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप टीम इंडिया को चौथे टेस्ट में जीता हुआ देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे दिन का खेल खत्म हो गया है। भारतीय टीम ने 27 रनों की बढ़त ली है। इंग्लैंड टीम दूसरे दिन के आखिर तक 6 रन पर बिना कोई विकेट गंवा के खेल रही है। भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम को 50 रन के स्कोर पर 2 झटके लगे थे। शिखर धवन और केएल राहुल को स्टुअर्ट ब्रॉड ने आउट किया। चेतेश्वर पुजारा के नाबाद 132 रन की बदौलत भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ साउथहैम्पटन टेस्ट की पहली पारी में 273 रन बनाने में सफल रही। इंग्लैंड की पहली पारी 246 रन पर सिमट गए थी। ऐसे में भारतीय टीम को पहली पारी में 27 रन की बढ़त मिली। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में बिना कोई विकेट गंवाए 6 रन बना लिए थे। कीटन्स इनिंग्स 4 और एलिस्टर कुक 2 रन पर नाबाद लौटे। पुजारा ने 257 गेंदों पर 16 चौके लगाए। भारत का आखिरी विकेट जसप्रीत बुमराह के रूप में गिरा, जिन्हें स्टुअर्ट ब्रॉड ने एलिस्टर कुक के हाथों कैच कराया। इससे पहले ओपनर शिखर धवन और केएल राहुल ने पहले दिन के स्कोर 19 रन से आगे खेलना शुरू किया। स्टुअर्ट ब्रॉड ने भारतीय टीम को पहले सेशन में 2 झटके दिए। राहुल को एलबी डब्ल्यू कर भारतीय टीम को पहला झटका दिया, जबकि शिखर धवन को 23 रन पर पवेलियन वापस भेजा। कप्तान विराट कोहली 46 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें सैम करन ने एलिस्टर कुक के हाथों कैच कराया। उप कप्तान अजिंक्य रहाणे के रूप में भारत का चौथा विकेट गिरा। रहाणे को 11 रन के निजी योग पर बेन स्टॉक्स ने एलबीडब्ल्यू आउट किया। विकेट कीपर ऋषभ पंत खाता खोले बगैर आउट हुए। उन्हें मोइन अली ने एलबीडब्ल्यू आउट किया। पंत ने 29 गेंदें खेली लेकिन वो खाता खोलने में असफल रहे। हार्दिक पांड्या को मोइन अली ने कप्तान जो रूट के हाथों कैच कराया। पांड्या ने 5 गेंदों पर 4 रन बनाए। आर अश्विन के रूप में भारत ने अपना 7वां विकेट गंवाया। अश्विन को मोइन ने 1 रन के निजी स्कोर पर बोल्ड किया। मोइन ने अगली ही गेंद पर मोहम्मद शमी को भी बोल्ड कर दिया। ईशांत शर्मा को मोइन ने कुक के हाथों कैच कराया। ईशांत 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे। बुमराह, ईशांत शर्मा और हार्दिक पांड्या की तिगड़ी ने मेजबान टीम को अच्छी शुरुआत से वंचित रखा। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। उनका यह दांव लटा पड़ गया। तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर बुमराह ने कीटन जेनिंग्स को पग बाधा आउट कर दिया। कप्तान रूट 4, कोई शांत ने अपना 15 के कुल स्कोर पर अपना शिकार बनाया। जॉनी बेयरस्टो 6 को बुमराह ने 28 के कुल स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। पांड्या ने विकेट पर जमने की कोशिश में लगे सलामी बल्लेबाज एलिस्टर कुक 17 को अपना शिकार बनाया। इंग्लैंड ने पहले सत्र में 4 विकेट के नुकसान पर 57 रन बनाए थे। दूसरे सत्र में बुमराह ने 69 के कुल स्कोर पर जोस बटलर 21 का विकेट ले भारत को 5वीं सफलता दिलाई। बेन स्टॉक्स 23 अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन वे 86 के कुल स्कोर पर मोहम्मद शमी की गेंद पर पग बाधा करार दे दिए गए। सैम करन के 78 और मोइन अली के 40 रन की बदौलत इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 246 रन बनाने में कामयाब रही। दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया टेस्ट सीरीज जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।